आई एम डॉक्टर नलिनीकांत मिश्र, एकेडमिक ऑफिसर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। टुडे आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन कंस्ट्रक्टिंग सम एंगल्स लाइक 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री बाय पेपर फोल्डिंग। So it is an activity by which you will learn how to make angles of the said angles by paper folding. Shradheya chhatra chhatri mane, mu aji tuma mananku paper folding sahajyare kibhali bhabare kono ankan kariba taha mu tuma agare prakash karuchi. देख मु गोटे पेपर सीट नौ ए पेपर सीट टी गोटे प्लेन रो काम करे एवं प्रत्येक धार गोटे गोटे रेखार काम करे। देख पेपर सीट रे चारोटी कोण रे चारोटी कोण सृष्टि होइछि प्रत्येक 90 डिग्री लेखाएं एवं प्रत्येक धार गोटे गोटे सरल कोण सृष्टि करे। सरल कोणर परिमाण तुम जान 180 डिग्री। वर्तमान प्रथमे आमे 90 डिग्री कोण किभली भावरे सृष्टि करिबा से विषय आज पेपर फोल्डिंग माध्यम रे सिखिबा। पिला माने 90 डिग्री कोण अंकन करिबा पूर्वरु तुम्हें माने जानिछ जे 180 डिग्री कोण को जदि समान दुई भाग कर दिया जाए ताहले निश्चित भावरे आमे प्रत्येक सृष्टि होउथिबा कोणर परिमाण 90 डिग्री बोली बुझिबा। एथिपूर्वरु मु गोटिए कथा कहि रखे, जेतेबेले पेपर रे आमे एक भांग पकेइबा बा गोटे क्रीज सृष्टि करिबा ताहा एक रेखा बा सरल रेखार धारणा नबो। वर्तमान तमे से पेपर भांग बा कागज भांग को नेइ कोण केमिति सृष्टि हुए देखिबो। आसो वर्तमान गोटे धार नवा, ए धारटी होची गोटे सरल कोणर सूचना दिए। ए धारटी रे गोटे कोण सृष्टि हुए ताहा 180 डिग्री बा सरल कोण। वर्तमान आमे ताकु ठीक दुई भाग करिबा, पेपर रो गोटे पार्श्वरु गोटे कोण को धरी जदि अपर पार्श्वरे मिसेई रखिबा एवं से अनुसार गोटे क्रीज सृष्टि करिबा बा भांग सृष्टि करिबा ताहले निश्चित भावरे कागजटी दुई भाग रे विभक्त होला एवं से रेखाटी गोटे धार सहित 90 डिग्री कोण उत्पन्न करुचि बोली आमे कहि परिबा। एवं एठी ए जो धारर उभय पार्श्वरे दुईटी कोण सृष्टि होउचि से कोण दुईटा होला 90 डिग्री एवं प्रत्येक 90 डिग्री बोली बुझिबा। कारण प्रथमे एटी गोटे सरल कोण थिला बा 180 डिग्री ताकु दुई भाग करिबारु 90 डिग्री लेखाएं पाइले। वर्तमान द्वितीय सिक्वेन्स रे आमे देखिबा जे 45 डिग्री कोण ताकु किभली अंकन करिबा। तमे जानिछ 90 डिग्री अधा 45 डिग्री 45 डिग्री, तेणु आमे जदि कौनसी प्रकार रे 90 डिग्री कोण को आमे दुई भाग कर दबा तार निश्चित भाव रे प्रत्येक कोण 45 डिग्री पाइबा। वर्तमान 90 डिग्री कोण टी को आस चिन्हट करिबा। देख पिला माने धार सहित उक्त रेखाटी उभय पार्श्वरे 90 डिग्री लेखाएं कोण उत्पन्न करुची। वर्तमान पेपर रो राइट हैंड टॉप कॉर्नर को आनी उक्त बाहु सहित मिसेई रख बा 90 डिग्री सृष्टि करुथिबा कोणर एक बाहु सहित मिसेई रख एवं कागजटी को भांग पकाओ एवं भांगटी पकेई देले 90 डिग्री कोणटी समान दुई भाग रे विभक्त होला। वर्तमान आसो 45 डिग्री कोण पाई से बाहुटी अंकन करिबा। वर्तमान देख आमे 90 डिग्री को दुई भाग रे विभक्त कले प्रत्येक कोणर परिमाण
45 डिग्री हो पारा। पेपर फोल्डिंग मध्यम आम देखिले 90 डिग्री एवं 45 डिग्री कोणर परिमाणटी कि भली 45 डिग्री लेखाएं होउछि। वर्तमान आउ गोटे सरल कोण बा 180 डिग्री को आम तीन भाग में विभक्त कर 60 डिग्री कोणर परिमाणटा को आम दर्शाइबा। देख एथिपाई आम आउ गोटे पेपर सीट नबा। ए पेपर सीट रो एठी गोटे भांग आम प्रथम पकेबा, गोटे बिंदुटे निर्णय करिबा, गोटे धारर गोटे पाखरे आम गोटे स्थिर बिंदु नबा एवं ए बिंदुर उभय पार्श्वर जो दुईटी धार अच्छी से धार को टेकी आम एभली भाव में मोड़ी रखिबा जो भली भाव आम 60 डिग्री कोण अंकन करने गोटे सूचना दे पार। पिला माने तमे देख ठीक भाव तमे लक्ष्य कर, मु गोटे पार्श्वर गोटे कर्ण को नहीं भांग पकाइली, से भली भाव तार अपर पार्श्वर थिबा आउ गोटे को नहीं आमे भांग पकेबा को चेष्टा करिबा एवं भांग पकेबा जेमती अपरटीर बाहुटी पूर्व भांग सहित मिसी रहिबो। देख पिला माने प्रथमे गोटे बिंदु स्थापन कली, तार गोटे पाख मोड़ी रखिली एवं अपर पाखटी को एभली मोड़ी रखिली जेमती ताहा अपर पार्श्वर थिबा धार को लागि रहिबो। वर्तमान एठी दुईटी क्रीज बा दुईटी भांग पड़िला, दुईटी भांग को फिटे रख, देखिबो सरल कोणटी आमर तीन भागरे विभक्त होइछि। मु एठी रेखा अंकन करि सारिबा परे तमे जानि पारिबो जे प्रकृत रे ए जो कोण सृष्टि होउछि सेटी केते डिग्री परिमाणर। सरल कोण को समान तीन भाग कले तुम्हें माने जानिछ प्रत्येक कोणर परिमाण निश्चित भाव 60 डिग्री हबो। देख पिला माने एठी तीनोटी कोण सृष्टि हला, कारण गोटे सरल कोण को मु पेपर भांगी बा कागज भांगी दुईटी दाग देली एवं दाग देबारु तीनोटी कोण सृष्टि हला, ताहा प्रत्येक 60 डिग्री परिमाण सहित समान। पिला माने एक क्षेत्र में मुटिके कहि रखिबि 60 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करिबा पाई एक निर्दिष्ट भावरे कोनोसी प्रकार रो पेपर भंगा रो कौशल नाही, अभ्यास जरिया रे अभ्यास कले निश्चित भावरे पेपर भांगीबाटा ठीक हे जिवो। मु आउ थरे रिपीट करूची, गोटिए बिंदुर उभय पार्श्वर कर्नर को गोटिक परे गोटिए भांग पकेई आमे दुईटी भांग विशिष्ट गोटे पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करिबा एवं भांग दुईटी को फिटेई देले आमे एठी तीनोटी कोण पाइले प्रत्येक कोणर परिमाण 60 डिग्री हला, कारण तुम जानिच एटा 180 डिग्री, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑल इज इक्वल टू 60 डिग्री इच। वर्तमान तुमको जदि प्रश्न हुए ताहले आमे 30 डिग्री कोणर परिमाणटा को किमिति पाइबा, तुम्हें माने निश्चय कहिबो जे 60 डिग्री परिमाण विशिष्ट कोणटी को जदि समान दुई भाग रे विभक्त करिबा ताले निश्चित भाव 30 डिग्री पाइबा। वर्तमान 60 डिग्री कोण रो परिमाण टिकु आमे किपढ़ी दुई भाग करिबा, 60 डिग्री रो गोटे कागजर धार एवं गोटे बाहु, कागजर धार टिकु पूर्णी मोड़ी 60 डिग्री सृष्टि करथिबा गोटे बाहु उपरे एभली पकाओ जेबरी उभय परस्पर सहित मिसि जिबे एवं भांगटिकु हाथरे सुचाओ एवं एठी देख 60 डिग्री परिमाणटी किभली भाबरे दुई भाग रे विभक्त हला, जहाँ द्वारा कि आमे प्रत्येक कोणर परिमाणटिकु 30 डिग्री लेखाएं कहिबा एवं एठी सूचना पाइले 30 डिग्री परिमाणर कोण किभली सृष्टि हुए बुझिहला। एवं आउ गोटे प्रश्न तुम पाखरे मध्य रहिछि जे 60 डिग्री परिमाणर कोण आमे अंकन करि सारिबा परे 30 डिग्री रो सूचना पाइले वर्तमान
ଯଦି କୁହାଯାଏ 15 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ପରିମାଣଟିକୁ କିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିବା, ତମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଯେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ନେବା, ତାର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ କାଗଜର ସେଇ ଧାରଟିକୁ ପୁଣି 30 ଡିଗ୍ରୀ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ ରେଖା ଉପରେ ବା ରଶ୍ମି ଉପରେ ପୁଣି ମିଶାଇ ରଖ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ ପକାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 15 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପେପର୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 15 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣମାନ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ। 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲାବେଳେ ବେଶ କିଛି ପରିମାଣର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ 60 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ, ପୁଣି 30 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, 30 ଡିଗ୍ରୀ, 15 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ଆମେ ମାପଗୁଡ଼ିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କୋଣ କିଭଳି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ କିପରି ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।